जीते हैं तेरा नाम ले लेकर, जब मरेंगे तब भी इल्जाम होगा, अगर फिर भी यकीन ना आए तो कफन उठाकर देखना, होठों पे बस तेरा ही नाम होगा। जी हाँ, ऐसी लव स्टोरीज के बारे में हम बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं और बड़े पर्दे पर भी देखते हैं, मगर असल जिंदगी में ऐसी लव स्टोरीज हो ना हो, मगर ऐसी लव स्टोरीज बड़े पर्दे पर लोगों को, ऑडियंस को खूब अट्रैक्ट करती है। तो ऐसी एक लव स्टोरी आ रही है जिसका नाम है जिगरिया, और इस वक्त मेरे साथ फिल्म के कलाकार मौजूद हैं, हर्षवर्धन और चेरी। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। थैंक यू। तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, हम जब फिल्म का प्रोमो देखते हैं, बहुत कलरफुल फ्रेम है, बहुत अच्छे शॉट्स हैं, एक इंटेंस लव स्टोरी को दिखाया गया है, और जो आपके एक्सप्रेशन है वो बहुत संजीदा है, संजीदगी से आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो असल ज़िंदगी की अगर बात करें तो आपको लगता है कि ऐसे उल्लू के पट्टे होते हैं जो कि इतना प्यार करते हैं किसी को? मैं हूँ ना, आई थिंक उस लेवल पे मैंने बहुत रिलेट किया अपने किरदार के साथ, और आई थिंक एक ऑनेस्टी ला पाया हूँ मैं उस वजह से शायद, क्योंकि आई थिंक हमारा जो सोल है वो काफ़ी मिलता है मेरा और जो किरदार मैं निभा रहा हूँ उसका। आपसे पूछा जाए, आप डेब्यूटेंट हैं तो आपकी पहली परफॉर्मेंस है, प्रोमोस में बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपका जो एक्ट है, इस एक्ट को करने के लिए कितना मुश्किल, क्योंकि आप बॉम्बे की लड़की हैं तो इस तरह की लड़की को प्ले करना, पोर्ट्रे करना स्क्रीन में कुछ आसान नहीं होता, तो किन किन चैलेंजेस से आपको गुजरना पड़ा, एंड हाउ डिड यू फाइनली यू नो गिव योर शॉट? सबसे पहला तो आई कम्प्लीटली सरेंडर्ड माई सेल्फ टू द डायरेक्टर, क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ, मेरा थिएटर में ज़रा भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई एक्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ क्लासेस की थी, तो मेरे पास और कोई फ्रेंड्स नहीं था, सिर्फ डायरेक्टर पे डिपेंड करना, तो उनके इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सिंपल थे, आई वुड फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन, नहीं तो कभी वो डांट भी देते थे तो आई वुड फॉलो दैट। उसके अलावा थोड़ा बहुत मुझे अपने हिंदी पे काम करना था, क्योंकि वो 80s की मथुरा की लड़की है, उसका हाव भाव, चलने का तरीका, पहनने का तरीका सब अलग था, तो वो और वो जो लोकेशंस में हमने जो शूट किया था वहाँ के लोग थे, वो यमुना घाट थी, यू नो खुशबू आ रही थी कचौरी जलेबी की, तो उसमें काफ़ी अच्छे से हो गया। अच्छा, जब हम इंटेंस प्यार की बात करते हैं, जब हम सच्चे प्यार की बात करते हैं, तब जो लड़का होता है बड़ी ऊटपटांग हरकतें करता है, आई एम श्योर कि हर बड़े शहर में, छोटे शहर में ऐसा कोई ना कोई लड़का होता ही होगा, तो आपने कभी, अगर आपको कभी किसी से भी सच्चा प्यार या इस तरह का प्यार हुआ हो, और झूठ मत बोलिएगा, हुआ होगा, इसी वो स्क्रीन पे नज़र आता है, हाँ तो बताइएगा, तो आपने कौन कौन सी ऊटपटांग हरकतें की? देखिए, मैंने मैं आपको सच एक बात बताऊँगा कि मुझे जो एक्टर बनने का ख्वाब था, जो एक सिनेमा का माध्यम था, मुझे सच्चा प्यार उससे हुआ, और किसी को बम्बई में न जानते हुए, कोई बैकग्राउंड न लेते हुए, मैं बस्ता उठा के बम्बई आ गया, ये न जानते हुए कि मैं कहाँ रहूँगा और मैं क्या करूँगा, तो आई थिंक सबसे बड़ी मोहब्बत के लिए तो मैंने ये ऊटपटांग हरकत की, जिसका होपफुली रिजल्ट 10 अक्टूबर को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक लड़की हैं, कई बार लड़के ना बड़ी अजीब सी हरकतें करते हैं, कई बार सपोज कीजिए लड़के किसी का बर्थडे हो, उसके घर के बाहर जाके रात 12 बजे पटाखे चलाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसी जो हरकतें लड़कियों को पसंद आती हैं? थोड़ा सा क्रेजीनेस हो, और मेरे ख्याल से लव मीडियोक्र नहीं होना चाहिए, थोड़ा हटके होना चाहिए, कुछ अपनी जो रूटीन मोनोटोनस लाइफ होती है उसमें जो एक स्पार्कल आता है, आई थिंक इट कम्स विद लव, सो आई होप मेरे साथ ऐसा हो। ऑन स्क्रीन तो हुआ है, बट रियल लाइफ में अगले साल में पटाखे जला दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आप इतनी खूबसूरत है, आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है, आपकी आंखें भी, आपके बाल भी बहुत अच्छे हैं, तो कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं? मैं रोज़ अपना ये नारियल तेल ज़रूर लगाती हूँ, और शैम्पू तो मैं रोज़ बदलती रहती हूँ, मेरा कोई ऐसा सेट फिक्स नहीं है। तो आपके पीछे भी लड़के आते हैं, जाहिर सी बात है आते ही होंगे, कोई क्रेजी इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कीजिए, आपके पीछे जो कोई आया हो, किसी अलग तरीके से प्रपोज किया आपको? एक्चुअली हाँ, एक लड़का था, नॉर्थ से था, उसने मुझे कभी बताया नहीं दैट ही लाइक्ड मी एंड ऑल, पर मुझे वाया मालूम पड़ा कि उसने एक कंपनी खोल दी है मेरे नाम की, और ही वॉज ट्राइंग टू लाइक कॉन्टैक्ट मी एंड ऑल ऑन अ वेरी फ्रेंडली बेसिस, बट ही वॉज एक्चुअली क्वाइट ऑब्सेसिव, सो मैं वो पूरे स्टोरी से दूर रही, पर अदरवाइज कोई ऐसे क्रेजी लोग बॉम्बे में है नहीं तो हुआ नहीं है, बट आफ्टर द ट्रेलर हैज़ रिलीज्ड देर आर लॉट्स ऑफ पीपल ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, जो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, आई एम क्वाइट एंजॉइंग दैट। ग्रेट। अच्छा, आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि फिल्म में हम देख सकते हैं कि एक लड़का है, लड़की को बहुत
दिलो जान से प्यार करता है उसको पाना चाहता है। तो अगर हम सच्चे प्यार की बात करें, जो कि आजकल बहुत कम एग्जिस्ट करता है, प्यार में पाने की चाहत होना कितना लाजमी होता है या कितना लाजमी नहीं होता है, क्या लगता है आपको? क्या पाना ही सब कुछ है या ना पाकर भी प्यार करना वो भी बहुत कुछ है? एक्चुअली इट डिपेंड्स, क्योंकि मैं सूफीज़म में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैं एक बहुत ही डिवाइन और इटर्नल लव में बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि किसी इनएनिमेट वस्तु से भी प्यार हो सकता है। मुझे लगता है कि भगवान से, खुदा से तो प्यार होना ही चाहिए, इबादत में मोहब्बत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ के हम प्यार करें तो पाना ना पाना फिर मैटर नहीं करता। आप दोनों की पहली पारी है, शुरुआत है बॉलीवुड में, बहुत टफ कंपटीशन है, कंटेम्प्रेरीज हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो किस तरह से आप प्रिपेयर्ड हैं, किस तरह से आप तैयार हैं, नर्वस है, एक्साइटेड हैं, या और काम करने के लिए अपनी अपनी कमर कसी, आपसे जानना चाहते हैं? हम तो खैर काम के तलबगार हैं बिल्कुल। हमें लगता है कि 10 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज़ हो, हम आगे और फिल्में करें और होपफुली सक्सेसफुल हों। और मुझे लगता है कि कंपटीशन आज की डेट में बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, क्योंकि फिल्मों की तादाद, जितनी फिल्में बन रही हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, जितने एक्टर्स आ गए हैं उनकी तादाद बढ़ गई है, न्यू कमर्स को ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक फ्री मार्केट, एक ट्रू फ्री मार्केट आज की डेट में है सिनेमा में, जो कि बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है। आप क्या कहेंगे चेरी? कंपटीशन तो कोई भी फील्ड में रहता ही है, और वो स्पेस से अगर मैं काम करूँ, जैसे एग्ज़ाम में भी पढ़ते हैं, कंपटीशन होती है, रैट रेस होता है, वही अगर मुझे करना होता तो आई एम अ सीए, मैं कॉर्पोरेट में होती, बट आई डोंट कम फ्रॉम दैट स्पेस, इट्स वेरी नेगेटिव फॉर मी, आई कैन वर्क फ्रॉम देयर। सो मेरे सामने जो चीज़ आती है, मुझे क्या करना है, मेरा एक लंबा लिस्ट है, मुझे कैसे रोल्स प्ले करने हैं, मैं इंग्लिश मूवीज़ काफ़ी देखती हूँ तो वहाँ से थोड़ा मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वैसी फिल्में, वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ला सके, यू नो, गिव मोर, वैसा हो भी रहा है, यू नो, वुमेन आर गेटिंग लॉट ऑफ गुड रोल्स नाउ, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर मी टू कम इन। डेफिनेटली, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि रैट रेस तो चूहों के लिए होती है, हम तो शेर हैं। क्या बात है। तो हमें मछली की आंख देखनी है और बस उसी पे फोकस करना है। और कोई इंसान अगर इस तरह सोचे तो कामयाबी तो जाहिर सी बात है। दुआ करता हूं। जी अच्छा, लोग टेलीविजन पर या थिएट्रिकल प्रोमोज आपके तो बहुत देख रहे हैं, तो इसको रैप अप करने से पहले अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को अपने तरफ से थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखा दें। ठीक है। पीली चुन्नी में लिपटी, अपने आप में सिमटी, आज मेरी जिंदगी मुझसे मिली, अब तक जिसके बिना जीना नहीं है, उसके बिना जा भी ले ले जिंदगी तो गम नहीं। सोच लो। सोचना क्या, अब तो हो गया। अब तो हो गया। जिगरिया 10 अक्टूबर को प्लीज देखना मत भूलिएगा। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अब तो हो गया, फिलहाल जाते जाते यही कहना चाहेंगे, इबादत कर, इबादत कर, इबादत करने नाल गल बनती है, किसी दी अज बनती है तो किसी दी कल बनती है। तो फिल्म के अंत में लड़का लड़की को पाता है या खोता है या कुछ भी होता है, ये तो 10 अक्टूबर को ही पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज और मैरीगोल्ड। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।